बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट एडिशनल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 7 दैट वर आल्सो अबाउट द एडिशनल क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 1। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8 to 11। You can also make your own short questions as well. There is also another Facebook page, Pakistan Studies and Social Studies. And if you are interested in old construction and historical places, you may subscribe my YouTube channel, Sher Ali Khanewalia. Right. So next question is, name the values that are basis of the ideology of Pakistan. This is also related to the question number 5 of exercise. That was a long question. So these are the values that are the basis of the ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan is based on Islamic ideology. Islamic values such as beliefs of worship, justice, promotion of democracy, fraternity and brotherhood, and duties of the citizen are the basis of the ideology of Pakistan. ideology of Pakistan ki ye islamic jo qadre hain jinme beliefs hain, iman hai, insaaf hai, jamhooriyat ka farogh hai, bhaichara hai, aur jo shahriyon ke huqooq o farayz hain, ye islamic jo आइडियालॉजी है, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ये बेसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज फ्रेटर्निटी टीच अस, जो भाईचारा है वो हमें क्या जो है हमें टीच करता है। फ्रेटर्निटी खुवत, भाईचारा, ये दूसरे के साथ सिनोनिम है एक दूसरे के। फ्रेटर्निटी टीच अस टू डिवेल्प ब्रदरहुड रिलेशंस विद वन अनदर सो दैट नाइदर फाइट फॉर एनीवन and anyone or user nor the weak is oppressed by anyone. तो इसका मतलब ये है कि जिसमें किसी के जो है वो हकूक़ ना छीने जा सकें और ना ही जो है किसी कमज़ोर को जो है ओप्रेस किया जा सके। How does rights and duties are correlated and connected? हकूक़ व फ़राइज़ एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। यानी एक हम हकूक़ अदा करते हैं तो साथ हम फ़राइज़ भी जो है अदा करते हैं, तो साथ हम हकूक़ को भी जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। इन इस्लामिक स्टेट राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्लोजली कनेक्टेड एंड बोथ गो हैंड इन हैंड, एक साथ साथ ये चलती हैं ये चीज़ें। राइट्स ऑफ वन पर्सन बिकम द ड्यूटी ऑफ द अनदर पर्सन टू फुलफिल। सिंपल है, अगर आप किसी का अपना हक लेते हैं तो साथ फ़राइज भी अदा कर रहे होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटेड, दूसरे के साथ मिले हुए हैं। व्हेन अ पर्सन डज द ड्यूटीज टू डिजर्व द एंजॉय द राइट्स, जब कोई एक अपना फ़र्ज अदा करता है तो साथ वो भी जो है साथ अपने राइट्स को भी इंजॉय कर रहा होता है। The duties cover both individual as well as the collective aspects of the man. Duties जो है इंसान का इनफरादी अमल और आपका जो इज्तमाही अमल है मुआशरे के साथ, जो आपके बाहमी रिलेशन हैं उनको कवर करता है, जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं। म्यूचुअल बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज़ द की टू मेक इस्लामिक स्टेट एंड सक्सेसफुल वन। दोनों के दरमियान जो है वो बाहमी एक बैलेंस होना चाहिए ताकि इस्लामिक स्टेट को जो है फ़्रोग मिल सके और वो बेहतर तरीके से काम कर सके और कामयाब हो। कायदे आज़म वांटेड टू एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कुरान। व्हाट डज ही सी अबाउट दिस इन द कराची इन 1943। वो चाहते थे कुरान के मुताबिक जो है वो बेसिस हो, तो उन्होंने इसके मतलब क्या इरशाद फरमाया 1943 में। ही सेट व्हाट रिलेशन नीड द मुस्लिम इन टू वन होल, एक वो कौन सा रिलेशन है, ताल्लुक है जो मुसलमानों को जोड़ता है, निट करता है।
विच इज़ अ फॉर्मिडेबल रॉक ऑन विच द मुस्लिम एडिफिस हैज़ बीन इरेक्टेड, वो कौन सा फॉर्मिडेबल रॉक है जो उसकी बेसिस, कौन सा वो पत्थर है, बेसिस क्या है जिस पे इमारत जो है वो खड़ी की जाती है, इरेक्ट की जाती है। एडिफिस का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग है। विच इज़ द शीट एंकर प्रोवाइड बेसिस टू द मुस्लिम मिल्लत, कि वो मुसलमानों को बेसिस प्रोवाइड करता है कि वो शीट एंकर क्या है, वो जहाज़ जो लंगर अंदाज होता है तो वो साथ उसके जो है वो टच कर देता है ताकि वो वापस जहाज़ वापस समुंदर में ना जाए। तो वो जो शीट एंकर, वो जो लंगर होता है, वो क्या है, द रिलेशनशिप, वो ताल्लुक, वो शीट एंकर और वो जो रॉक है, जो बेसिस है, वो हमारी कुरान है। हमें ये जो है वाज़े तौर पर हमें ये बात बताई गई है। तो क़ायदे आज़म का भी यही फरमान था, वो भी यही चाहते थे, राइट।